कुछ प्रश्न खड़े किए हैं जैसे साहब ने कि इम्पोजिशन किया जा रहा है, कुछ सुपर इम्पोज करने का प्रयास किया जा रहा है कि मल्टी कल्चरल मल्टी फेथ सिस्टम में एक वननेस है, एक भाषा है, इन आरोपों का जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, जो विविधता की बात कही गई है, विविधता तो भारत की संस्कृति के मूल स्वरूप में है। भाषा की विविधता तो छोड़िए, यहां तो भगवान एक नहीं है, भगवान ही भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, और एक ही भगवान को आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाइए उसका स्वरूप बदल जाता है। पर समस्या जानते कहां है? समस्या यहां पे नहीं है। अभी सुरेन जी ने बात शुरू की, जो पहला उन्होंने शेर पढ़ा ना, सर जमीने हिंद पर अकवाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्ता बनता गया, यही माइंडसेट प्रॉब्लम का था। जैसे ये एक सराय थी, सब काफिले आके बनते गए और हम सेटल होते चले गए, हकीकत ये नहीं थी। मैं जयशंकर प्रसाद की कविता का एक पंक्ति उद्धृत करना चाहूंगा, हम क्या थे हिमालय के आंगन में प्रथम, उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फिर फैला आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। हमने ज्ञान शुरू किया भाई। भारत शब्द का अर्थ क्या है? भा का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश, और रथ का अर्थ होता है उसमें लगा रहना। प्रॉब्लम यहां से आई। दूसरा उदाहरण, जैसे जो प्रश्न दोनों रेस किए गए मैं बताता हूं। एक उदाहरण दिया गया वंदे मातरम का, कोई समस्या है क्या इसमें? वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? 1896 के कैलकटा के AICC सेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? रहमतुल्ला अहमद सयानी ने, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी। 1905 में जब करजन ने बंगाल का डिवीजन किया, बंगाल के हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों ने बंगाल की सड़कों के ऊपर वंदे मातरम गाते हुए 4-5 साल में ऐसा माहौल बनाया कि 1911 में वो रिवर्ट हो गया, कभी इशू नहीं बना। 1947 14 और 15 अगस्त की रात, जब ना कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना हमारा नेशनल एंथम बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक कैसे शुरू हुई? सरोजिनी नायडू ने वंदे मातरम गाया, देन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड, यानी देश अस्तित्व में उसी में आया। 1952 मौलाना आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बने, और शिक्षा मंत्रियों का जो पहला सम्मेलन हुआ दिल्ली में, वंदे मातरम नहीं सरस्वती वंदना भी गाई गई। कल्चर था, ये इशू नहीं था। प्रॉब्लम हुआ जब 1976 में इमरजेंसी में सेकुलर वर्ड डाला और फिर उसका पॉलिटिकल यूज करना शुरू हुआ, तब समस्या हुई। अब मैं आपको डिफरेंस का भी बताता हूं। देखिए, जो एक बात कही जाती ना कि आप एक पर्टिकुलर चीज थोपना चाहते हैं ना, मैं कहना चाहूंगा आप एक पर्टिकुलर चीज देखना चाहते हैं। जैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, यह देश जब आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को लाल किले के ऊपर शहनाई किसने बजाई? उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने। इस देश के लिए आजाद होने शहीद होने वाला सेना का फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, 1948 में नौशेरा की लड़ाई। और दूसरी बात कहूंगा, 2010 में बराक ओबामा भारत आए, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए कहा, इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज्ड। व्हेन इट हैज इमर्ज्ड? जिस दिन 98 का एक्सप्लोजन हुआ था, एंड हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट? डॉक्टर अबुल कलाम। मगर अफसोस है, मैंने नहीं देखा कि ब्रिगेडियर उस्मान आजमगढ़ के रहने वाले थे, कोई गया हो ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज वाला ब्रिगेडियर उस्मान के घर, आजमगढ़ में आतंकवाद के आरोपियों के घर जाते हैं। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, कोई नहीं गया, गए सिर्फ हमारे यहां वाले। 2007 में डॉक्टर कलाम को दूसरा टर्म मिले, इसके लिए सब विरोध में थे, और 2007 का ही साल इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसी समय अफजल गुरु की क्लीमेंसी के लिए सब प्रयत्नशील थे। तो मैं कहता हूं, अरे बहुत कुछ है। और मैं कहूंगा, जिसको आप गंगा जमुनी तहजीब देश की कहते हैं ना, वो क्या थी? वो थी कि बुल्ले शाह ये कहते थे, आज होली खेलूंगी मैं रसिया कहे बिस्मिल्ला। वो गंगा जमुनी तहजीब वो थी कि दारा शिको उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराता था और कहता था सिर्रे अकबर इसका नाम है, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। वो गंगा जमुनी तहजीब वो थी कि अब्दुल रसखान, शेख मोहम्मद इब्राहिम रसखान, हिंदी के कवियों क्या कहते थे, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, यानी अगला जन्म पाऊं तो भगवान कृष्ण के ग्वाल बालों के बीच में। अब्दुल रहीम खान खाना जैसा हिंदी का बड़ा कवि होता था। और ये गंगा जमुनी तहजीब ये थी कि अमीर खुसरो मुस्लिम होकर ये कहने की हिम्मत करते थे कि छाप तिलक सब छीनी तो उसे नैना मिला के, और ये एक तरफा नहीं था, लाखों हिंदू मजारों पे जाता था, आज भी जाता है।
मगर अफसोस मैं कहना चाहूंगा, ये जो एक नजरिया था ना, मैंने जितनी बातें बताई आपने कभी उससे अपने को नहीं जोड़ा। आपने किससे जोड़ने कोशिश की? बाबर, तुगलक, औरंगजेब, अफजल गुरु, याकूब मेनन, इशरत जहां, जाकिर नायक। द प्रॉब्लम इज हियर। नेशनलिज्म कुछ और है, पॉलिटिक्स कुछ और है।